तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, क्लास नाइन्थ मैथ का चैप्टर नंबर 7 जो आपके एनसीईआरटी बुक में ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। वैसे तो आपको छोटे क्लासों में ट्रायंगल बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया होगा और आप जानते भी होंगे ट्रायंगल क्या है, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है और हम कैसे पहचानेंगे क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी, क्या उसकी क्राइटेरिया होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं कि ट्रायंगल किसे बोलते हैं, अ क्लोज फिगर विथ थ्री लाइन सेगमेंट, तीन लाइन सेगमेंट के द्वारा अगर क्लोज फिगर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। तीन लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर मैंने ले लिया एक लाइन सेगमेंट ए, दूसरा लाइन सेगमेंट और तीसरा लाइन सेगमेंट, इसमें ए बी सी क्लोज फिगर है तीन लाइन सेगमेंट के द्वारा, जिसके पास थ्री वर्टेक्स ए बी सी, तीन वर्टेक्स थ्री साइड्स, ठीक ना, और थ्री एंगल्स होता है, ऐसे को हम बोलते हैं क्या, ट्रायंगल। ट्राई मतलब होता है थ्री और एंगल मतलब होता है एंगल, जिसमें थ्री एंगल्स होता है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल का मतलब है ट्राई मतलब थ्री एंगल्स में से जिसमें तीन एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल, के एंगल के आधार पर आप कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक ना, और साइड के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एस्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इतने प्रकार के ट्रायंगल हमको पढ़ाया गया है, ठीक ना। तो इस तरह जो है हम ये सब चीजें आपको छोटे क्लासों में पढ़ाया गया होगा, आप जानते होंगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कस यहाँ पर नहीं करूंगा। हम ये इंट्रोडक्शन में था कि ट्रायंगल क्या होता है, उसके कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, ठीक ना, और ट्रायंगल को हम एंगल के आधार पर और साइड के आधार पर कितने भागों में डिवाइड हम कर सकते हैं, ये चीज हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। हमें पढ़ना है यहाँ पर कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंट कहते किसको है, वो सारा फिगर जो जिसके शेप और साइज इक्वल हो, शेप भी बराबर हो, एकदम देखने में एक जैसा लगे और साइज भी बराबर हो, ना छोटा हो ना बड़ा हो, ऐसे जितने भी फिगर होंगे सबको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होता है। जैसे अगर एक रुपया का हम सिक्का ले लें तो एक रुपये के सिक्कों का हम देखें दोनों को, तो दोनों का शेप एकदम उतना ही मोटा होगा, उतना ही बड़ा होगा, एकदम उसी तरह का डिजाइन उसका भी है, इस तरह का डिजाइन क्या होगा इसका भी है, तो दोनों का सेम डिजाइन बना है, सेम थिकनेस है, उसकी मोटाई भी उतनी है, उसका साइज भी उतना है, उसका शेप भी उतना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस। ऐसा आप अपने लाइफ में कैसे सिचुएशन देखे होंगे, आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हैं, जब खिंचवाते हैं तो लगभग उसका भी शेप और साइज सेम होता है, ठीक ना। अब कटिंग करने में थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट लगभग सपोज करके हम चलेंगे कि उसका साइज क्या होगा, सेम होगा, तो उस तरह का जो बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक ना। किसी सर्किल की बात करते हैं कि सर्किल मेरा कॉन्ग्रुएंस कब होता है, कि यदि दो सर्किल का रेडियस आपस में इक्वल हो, एक सर्किल मैंने खींचा, मान लीजिए पूर्णिमा आपने सर्किल खींचा 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर, और अभय ने सर्किल खींचे, उन्होंने बोला सर मैं भी 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे, और जब एक सर्किल को उठाकर दूसरे सर्किल के ऊपर रखेंगे तो हम सेम साइज का होगा, ना छोटा ना बड़ा, वो पूरी पुरुष को ढक लेगा, तो दोनों सर्किल का रेडियस बराबर है, मतलब दोनों सर्किल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो दो सर्किल हमारा कॉन्ग्रुएंस तब होता है जब उसका रेडियस आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दो लाइन हमारा कब कॉन्ग्रुएंस होगा, जब दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, अगर एक लाइन आपने खींचा है ए बी जो है 6 सेंटीमीटर का, और कोई दूसरा लड़का बोला सर मैं भी जो है सी डी लाइन 6 सेंटीमीटर का ही खींचता हूँ, तो अगर इस लाइन के ऊपर इस लाइन को रखेंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, कोई साइज कर जाएंगे, और ऐसा जो हमारा फिगर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। जैसे दो मार्कर है, दोनों मार्कर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, इक्वल शेप और साइज का बना ना, दोनों का लेंथ आपस में बराबर है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ये दोनों मार्क एकदम उसका साइज और शेप बराबर है, देखने में बस एक ब्लू कलर का एक ब्लैक कलर का है, लेकिन इसका साइज क्या है, और दोनों एक सिंपल एक बराबर मोटा भी है, और लेंथ में भी दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस।
ठीक। अब एक के ऊपर एक दूसरे को रखेंगे तो पूरी से ढक लिया ना, एक आगे निकल रहा है ना एक पीछे निकल रहा है, एकदम सेम साइज का है, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ये, ठीक है सर। तो ऐसे जितने भी फिगर्स होते हैं जिसके शेप और साइज आपस में इक्वल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कानू। अपने हाथ की हथेली को अगर हम ऐसे रखेंगे तो लगवाएंगे दूसरे के क्या होंगे, कानू। ऐसे रखेंगे तो भले ना आए, बट इस तरह रखेंगे तो क्या होंगे, दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह का जो फिगर बनता है आपके बुक का जो पेज होता है, सारा पेज एक बराबर होता है, सेम थिकनेस का होता है, सेम लेंथ का, सेम विड्थ का होता है, तो बुक का जो पेज होगा अभी क्या होगा, आपका कॉन्ग्रुएंस होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल शेप और साइज के होते हैं, ठीक। आप जब टेंथ में जाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाया जाएगा, तो वहां पर डिस्कस किया जाएगा कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में क्या डिफरेंस है, क्या हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं और सिमिलर को कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं, नहीं, वहां पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी, समझ में आया कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं, मतलब कि जिसके शेप और साइज दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। टू फिगर लिख सकते हैं, टू फिगर हैविंग इक्वल शेप एंड साइज, क्या बोलेंगे उसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, अगर शेप और साइज बराबर, अगर शेप और साइज में से कोई एक डिफरेंस हो गया तो कॉन्ग्रुएंस हम नहीं बोलेंगे, ठीक ना। सिमिलर कह सकते हैं उसको हम, एक छोटा और एक बड़ा एक ही जैसा देखने में लगा है, एकदम बट एक छोटा और बड़ा तो सिमिलर, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, वही मैं सिमिलर की बात करता हूं, आपको टेंथ में पढ़ाया जाएगा, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया और इसकी इसी के बगल इसका एक छोटा सा बचना मतलब छोटा सा लड़का बना दिया इसका ए बी सी और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश सी डैश, क्या है ये देखने में तो एक जैसा है, बट अगर एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो इसके बीच में आ जाएगा, आएगा ना सर, दम इसके साइज का नहीं हो पाएगा, है ना सर। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे एक ही जैसा है, सिमिलर है, इसमें तीन साइड, इसमें तीन साइड, इसमें तीन तीन एंगल, इसमें भी तीन एंगल, इसमें तीन वर्टेक्स, इसमें तीन वर्टेक्स, बट एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो सेम साइज का नहीं है, देखने में लग रहा है कि जैसा, बट वो एकदम उसका जो सेफ है, सेफ एक जैसा है बट साइज एक जैसा नहीं है। तो अगर सेफ एक जैसा होगा साइज एक जैसा नहीं होगा तो इस सिमिलर के कैटेगरी में आ जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कभी बाद में, कॉन्ग्रुएंसी हम चर्चा कर रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, ठीक। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आपका ही हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया है, यहाँ पर एक शब्द आपका आता है सीपीसीटी, सीपीसीटी जिसको बोलते हैं क्या, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं कि ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होता है, इसके बारे में अभी हम बताएंगे, फिलहाल इस जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को सीपीसीटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, अच्छा दो अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर कब हमारा होता है कॉन्ग्रुएंस, उसके साइड आपके बराबर, चार फोर सेंटीमीटर का स्क्वायर बना रहे हैं, दूसरा भी फोर सेंटीमीटर का स्क्वायर बना रहे, दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंस होता है, यहाँ पर हमें क्राइटेरिया देखना है, ठीक ना। तो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ द फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। वैसे तो कुछ आप जानते हैं भी, हमें लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी तो क्लास एट में भी मिल गया पढ़ने के लिए, तो वहां पर कुछ क्राइटेरिया आप जानते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा कि यदि कोई ट्रायंगल हो सपोज दैट, और एक ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड के बराबर हो, करस्पॉन्डिंग साइड, बस हमारा करस्पॉन्डिंग, जैसे सपोज दैट, थोड़ा सा हम इसको घुमा देते हैं ट्रायंगल को, तो उससे थोड़ा इसका ए वाला साइड जो है इस साइड के बराबर हो, मतलब ए बी साइड करेस्पॉन्डिंग, मतलब इधर वाला इसके बराबर इधर, अब ट्रायंगल को ऐसा हम घुमा देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इस वर्टेक्स को घुमा कर ऐसा कर दें तो भी ये वाला क्या होगा डी के बराबर होगा, है ना सर। तो अब कंफ्यूज नहीं करेंगे का घुमा कर हम इसको इधर कर देंगे तो अब कंफ्यूज, हम देखेंगे कि एंगल कौन सा, कोई वर्टेक्स वाला एंगल के साथ वर्टेक्स वाला, इधर वाला एंगल के साथ इधर वाला, और उस साइड वाला एंगल के साथ बेस के दो एंगल वो बेस के एंगल के साथ होना चाहिए, ठीक ना। इस तरह का स्पॉन्डिंग पार्ट हम ले लेते हैं, तो अगर ए बी इसका डीई के बराबर हो, ये एसी साइड इक्वल हो आपके क्या डीएफ के हो, और बीसी साइड इक्वल हो क्या बीसी ईएफ के बराबर, ये फाइव का हो तो भी फाइव का हो, ये फोर का हो तो भी फोर का हो, ये जो भी हो ऐसे हम ले लेते हैं, ठीक ना। अगर ये आपका सेवन का हो तो सेवन तो नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ सेवन ले लीजिए, सेवन सेवन के बराबर हो तो इस तरह का बनेगा हमारा, क्योंकि ट्रायंगल के सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है ना आपका, तीन दोनों का साइड जो है तीसरे से बड़ा है, इन दोनों का सम जो है इससे बड़ा है, और इन दोनों का सम क्या है इससे बड़ा है, तो ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है ना, ऐसा हम ले लेंगे। तो अगर साइड अगर बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे,
कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बनेंगे। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया बनता है उसको क्या बोलते हैं, साइड साइड साइड। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है साइड 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 का कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक, दूसरा क्राइटेरिया हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक दूसरा क्या देखेंगे यहाँ पर हम, अगर ये ए बी सी और यहाँ पर आपका है डी ई एफ, ठीक तो यदि एक इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल किसके बराबर हो, ये फोर हो तो ये भी फोर हो, ये साइड इसके बराबर हो थ्री हो तो थ्री हो, और इसके बीच का एंगल अगर 60 का हो तो यहाँ पर भी एंगल अगर 60 का हो तो क्या हो जाएगा, साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, साइड एंगल है फिर साइड है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अब कोई यूनिक वर्टेक्स वाला ये दोनों भी बराबर हो इसके बराबर, ये दोनों साइड और ये एंगल ले सकते हैं, फिर ये दोनों साइड ये एंगल, ये दोनों साइड और ये वाला एंगल ले सकते हैं, कोई दो साइड और उसके बीच का एंगल, साइड को बनाने वाले बीच का एंगल, ठीक है उसको हम ले सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस भी आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या साइड एंगल साइड, ये सेकेंड क्राइटेरिया हो गया कॉन्ग्रुएंसी का। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आप इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, है ना सर। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है कि यदि दो एंगल और एंगल को कंटेन करने वाला साइड दूसरा साइड भी हो सकता है, दो एंगल और एक साइड, ठीक ना, जनरली हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे, ये आपका ए बी सी डी ई एफ ओ, तो ये वाला एंगल इसके बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कह रहा है, ये वाला एंगल इसी के बराबर, अब थोड़ा इसको घुमा देंगे तो क्या होगा ए ई के ही बराबर होगा, बस घुमा देने से बदलता नहीं है, ठीक ना, बेस वाला एंगल बेस के ही बराबर, वर्टेक्स वाला वर्टेक्स के ही बराबर होगा। तो बी ई और सी और एफ, ठीक ना, ये दो एंगल बराबर हो गया, इन दोनों एंगल को कंटेन करने वाला साइड आपस में बराबर हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे साइड एंगल, अरे सॉरी एंगल साइड एंगल, यहाँ पर भी एंगल साइड एंगल, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो एंगल एंगल साइड से क्या होगा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक, अब एक और देख लेते हैं इसको, एंगल अगर दो एंगल और एक साइड अलग अलग साइड भी रहेगा तो हम ले लेंगे इसको, ठीक ना, अगर दो एंगल हो कहीं दूसरे से कोई साइड रहेगा तो भी हम कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं, ऐसे अभी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा चीज, राइट हैंड साइड आर एच एस की बात करते हैं, राइट हैंड साइड रूल में क्या होता है कि कम से कम एक एंगल तो 90 डिग्री का मेरा रहना ही चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। दूसरा चीज की हाइपोटेनस आपस में बराबर होना चाहिए, फर्स्ट रूल क्या कि एंगल मेरा क्या होना चाहिए राइट हैंड मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए कोई एक एंगल, दूसरा कि इसका हाइपोटेनस मेरा बराबर होना चाहिए आर एच, श्योर है कि हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, बाकी इन दोनों साइड में से परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी एक अगर बराबर हो गया, कोई भी एक साइड अगर बराबर हो गया तो कह देंगे राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, कोई भी दोनों, चाहे ये इसके बराबर हो जाए चाहे ये इसके बराबर हो जाए, कोई भी दो साइड, और दोनों अगर बराबर है तब तो कोई बात नहीं, अगर ये मान लीजिए 5 का है ये 5 का होना ही चाहिए 90 का 90 का, अब इन दोनों के भाई तीन रूल चाहिए ना कॉन्ग्रुएंसी में, कम से कम तीन चाहिए, तो तीसरे के लिए या तो ये 4-4 का हो जाए, या हो सकता है ये 4 का ना हो तो यही 3-3 का हो जाए, या हो सकता है दोनों बराबर हो जाए 4-4-3-3 हो जाए तो और बेटर है, दोनों भी बराबर हो जाए या कम से कम एक तो परपेंडिकुलर बेस में कम से कम एक तो बराबर होना ही चाहिए, ये दोनों तो श्योर है, ये दोनों तो श्योर है कि ये तो होना ही चाहिए, सवाल उठता है बस इस पे, तो इसके लिए कम से कम एक या तो दोनों साइड में से कोई एक साइड बराबर या दोनों हो जाएगा तो कोई बात नहीं और बेटर है, बट दोनों में से एक होना चाहिए तो हम बोलेंगे राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस तरह यहाँ पर इतने कॉन्ग्रुएंसी रूल आपके स्ट्रिंगल में है और इसी के आधार पर आपको क्वेश्चंस भी साल में करने हैं। ठीक, तो एक बार हम देख लेते हैं आपने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर आपने पढ़ा कि साइड 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 फर्स्ट, दूसरा पढ़ा आपका साइड एंगल साइड, तीसरा आपने पढ़ा एंगल एंगल साइड एंगल, और फिर आप लास्ट पढ़े थे आर एच एस राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक ना, ये चीज होता है, इसको हम ऐसे कभी नहीं लिखेंगे एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल, ऐसे करके हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं शो करते, ये नहीं शो करेगा ये वाला शो करेगा एंगल साइड साइड एंगल साइड, ठीक ना, इस चीज को भी ध्यान आप रखे रहिएगा। आगे पढ़ते हैं हम,
ठीक, ये रहा आपका। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, ठीक। अच्छा थ्योरम्स भी है, तो थ्योरम सीरीज में देख लेंगे, इसके बाद तो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा। तो बाकी आज आज देखा जाए कि कल।